तालिबान ने नई अफगान अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। हसन अखोंद नए वजीर आजम, अमरीकी पाबंदी का शिकार सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला मुकर्रर, मुला गनी बरदर नायब वजीर आजम बना दिए गए और जबीउल्ला मुजाहिद ने अफगान उमूर में पाकिस्तानी मुदाखलत को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया है। नाम सामने आए हैं, अनएक्सपेक्टेड है नेम्स? नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, मगर ये अबूरी हुकूमत से पहले सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि पंजशेर की वादी तकरीबन जो है वो तस्खीर कर ली गई, और ये 40 साल से एक मिथ बनी हुई थी कि ये नाकाबिले तस्खीर है, और रूसियों ने कि जी 9 दफ़ा अटैम्प्ट किया, 9 हमले किए बड़े और वो नहीं हो सके, तो ये उन्होंने 9 दिन भी नहीं लगाए और उसको ख़त्म कर लिया, उसको तस्खीर कर लिया। हल्की फुल्की खबरें वो ज़रूर चल रही हैं, बयानात आ रही हैं कि अभी बिल्कुल वो नहीं हुई, मगर ये BBC की खबर है कि 2 जो लोग जिन्होंने वादी की दिफा करनी थी, अहमद मसूद और दूसरा अमरुल्ला साले, जो कि बहुत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हर वक्त बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो दोनों जो दिफा के अंदर वो पंजशेर वादी में ही मौजूद नहीं थे, और वो गालबन ताजिकिस्तान में या वो अफगानिस्तान में भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सबूत ये आया कि वो ट्विटर के ऊपर बैठ के दिफा कर रहे थे, वादी के अंदर दिफा नहीं कर रहे थे, और वादी के अंदर जो है पंजशेर में वहाँ इंटरनेट मौजूद ही नहीं है, तो वो इसलिए BBC की ये खबर है। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने अपनी मिथ प्रूव की है। एक नई नस्ल है जो इंटरेस्ट ले रही है अफगानिस्तान के मामलों में, तो आपको बैकग्राउंडर के तौर पर ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चाहिए होती है। आमिर साहब क्योंकि बड़े पढ़ने वाले आदमी हैं, सो इनके पास खासा नॉलेज है। मैं सिंपली 2-3 चीज़ें इसमें कहूँगा। एक जो जबीउल्लाह साहब ने ये कहा है ना कि हम इस पर ट्राइबल अफिलिएशन, रीजनल, एथनिक, लिंगुअल पर बिलीव नहीं करते, बिकॉज बींग मुसलमान हम इन चीज़ों पर नहीं बिलीव करते, उससे मुझे आई स्मेल समथिंग कि शायद वो जो बात हो रही थी ना कि इसमें जो हम क्या पाकिस्तान, पूरी दुनिया कह रही थी कि ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाए जिसमें ताजिक हूँ, उज़्बेक हूँ, हज़ारा के शियाज़ हूँ या बाकी जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो सबको शायद हिस्सा मिलेगा। तो आज उन्होंने थोड़ा सा मेरा कल डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं कि ठीक है हिस्सा देंगे, लेकिन हम इन बुनियादों पर नहीं देंगे, ये ताजिक है, उज़्बेक है, ये शिया है, ये सुन्नी है या कौन है, ये एक चीज़ तो ये बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट की। दूसरी, ये जो है सारी पश्तून डोमिनेटेड आज उन्होंने कैबिनेट अनाउंस की है, अगर आप देखें सारे के सारे पश्तून भाई हैं हमारे, सो वो भी दोबारा एक उसको रिएक्शन का कहते हैं, वही आएगा जो काबुल की बात कह रहे थे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ये बढ़ेगी, क्योंकि ये ख्वातीन के जो जुलूस आए निकले हैं, तो इनके लिए बेहतर था कि कुछ नौजवानों को एक नई नस्ल 20 सालों में आई है जिन्होंने तालिबान को अपने उसमें शहरों में उनकी हुकूमत नहीं देखी हुई, उन्होंने उससे नई नलायमन से पहले, जैसे आमिर ने कहा ये बड़ी अहम चीज़ है, आम आदमी नहीं समझता कि देहात से रूरल एरिया से उठकर लोग जाएंगे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में, 20 सालों में एक नई नस्ल नेटो के अंदर एक वहाँ प्रोग्रेसिव लिबरल हुकूमत थी उसमें यकदम इस तरह के लोग आएंगे, अपना कोड देंगे, अपनी वहाँ पर अपना विजन देंगे, अपनी वहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें बैन करेंगे, जो कल्चरल वहाँ डिफरेंस आ जाता है ना एक रूरल लाइफ का मेट्रोपोलिटन या एक थोड़े से उसको कहना या मॉडर्न सिटी का, उसको ये कैसे ब्रिज करते हैं गैप, ये बड़ा मेरा ख्याल है एक अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और लास्टली, जो ईरान ने बहुत बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया है कि उन्होंने जब अपना एक उनके नए फॉरेन मिनिस्टर जो आए हैं बड़ा सख्त उन्होंने दिया है ये पंजशेर वैली पर, और वो भी मेरा ख्याल है तालिबान एक दोबारा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि एक नई एक कन्फ्लिक्ट की तरफ अफगानिस्तान जा सकते हैं अगर कोई इन्होंने वाइजली कोई अपने दरमियान कुछ ऐसे लोग ना रखे जो थोड़े से बाकी उसमें ताजे उज़्बेक जैसे मैं कह रहा हूँ उनके बगैर वो किए बगैर, मतलब ईरान का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, इट विल क्रिएट सम कन्फ्लिक्ट इन द डेज टू कम। फिलहाल हम इतने कह रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पर आंख रखेंगे। ठीक है, अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आमिर साहब, तो बाकी ये जो गवर्नमेंट है अभी, ये याद रहे कि ये जो सारी दुनिया उनको जो कह रही है कि कसीरुल जमात किस्म की ये कैबिनेट बनाए, वो बननी होगी, ये एक अबूरी हकूमत है, इस वक्त वहाँ पे वैक्यूम है क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं, पिछली जा चुकी है और नहीं थी कोई नहीं, तो ये अबूरी हकूमत है। तो अबूरी हकूमत के अंदर उन्होंने सारे ही तकरीबन 33 कैबिनेट के अफराद हैं, तो मोर लेस इन्हीं का ही अंदाज़ा था कि ये सारे तालिबान के अपने ही लोग हैं। 2-3 चीज़ें इसके अंदर जो बड़ी नुमायाँ हैं वो ये है कि पहले जो नाम आ रहा था मुल्ला बरदर का कि उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो उनकी जगह मोहम्मद हसन आखुंद साहब को बनाया गया,
मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी मोहम्मद हसन आखुंद और सराज हक्कानी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन ममालिक की जो डेजिग्नेटेड लिस्टें हैं दहशतगर्दी की, उनमें इनके नाम अभी शामिल हैं, अभी इनको निकाला नहीं गया वहाँ से। और ये मैं ट्वीट पढ़ रहा था किसी अमेरिकन की कि वो कह रहा था ये दिन भी आना था कि जो जिनको हमने टेररिस्ट वो डिक्लेयर किया गया, तो अब उनसे हम बात ये चीज़ चल रही है कि कब उनको उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये एक इसके अंदर है। हाँ, अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जो है आज और कल के अंदर जो है वो वहाँ पे काबुल में और मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ख़वातीन ने और कुछ लोगों ने 1000-2000 लोगों ने जुलूस निकाला और उसके ऊपर उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की। और ये भी कहा गया कि जनाब गैरत जगाई गई अफगानिस्तान की कि हम पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं, जिसकी वजह से ज़बीहुल्लाह साहब ने अपनी उसमें भी कहा कि जनाब ये हमने 20 साल की मेहनत से ये जंग जीती है। और ये जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये जो एक्साइटमेंट होती है ना कि जी हमने ये कमाल कर दिया, उसका ये नुकसान हो रहा है कि उसकी वजह से तालिबान के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि उनको प्रूव करने के लिए कि जनाब हम इंडिपेंडेंट हैं। और अफगानों की तारीख रही हुई है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड रहे हैं, तो इसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के हक में भी करना चाहते हों तो शायद वो ना कर पाएँ, उनके ऊपर ये प्रेशर होगा ये बताने के लिए कि हमारी अपनी एक सोच है और जो फैसले करते हैं हम किसी की डिक्टेट्स नहीं सुनते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा चैलेंज उनका ये है कि ज़्यादा फोकस आ रहा है उनका पॉलिटिकल सिचुएशन पे कि वो बाकी खितों को कैसे लेके जाते हैं, मगर वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है कि वहाँ पे पुरानी क्योंकि पुलिस जो है वो तहलील हो चुकी है। आप नई हुकूमत तो फौरी बना सकते हैं, इदारे फौरी नहीं बनाते हैं। इदारे के लिए वसाइल चाहिए होती है, अकल चाहिए होती है और एक टाइम चाहिए होता है। तो अभी वो पुलिस पुरानी अगर रखें तो उसकी तो इंडॉक्ट्रिनेशन जो की गई थी वो पुराने अंदाज से की गई थी, तो वो तालिबान की नहीं। तालिबान ज़्यादातर मजाफाती लोग हैं, उनका पुलिसिंग का तर्जमानी है, वो फौजी जंग तो कर सकते हैं, पुलिसिंग करना एडमिनिस्ट्रेटिव ये वाला एक इशू है। ऑफकोर्स सर दूसरा बड़ा मुआशी इशू है कि इस वक्त वहाँ पे पैसे तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, $9 बिलियन उनके अमरीका ने भी बंद कर लिए हुए हैं और वो जो पैसे भी ताशा आ रहे थे चारों तरफ से बंद हो गए हैं, तो उनको पैसे वसाइल चाहिए। दूसरा ये है कि हालात बहुत बदल गए हैं। काबुल का शहर जो पहले 10 लाख का होता था वो 70 लाख का हो गया। 2001 में अफगानिस्तान की आबादी भी जो थी वो 21 मिलियन थी, जो कि अब 38 मिलियन तकरीबन 4 करोड़ पे जा चुकी हुई है। तो वो क्राइसिस आगे से वो शहरों की तरफ लोग ज़्यादा आ चुके हुए हैं। फिर जो है एक लोग जिस पर गौर नहीं करते, एक कल्चरल और हिस्टोरिकल और तबकाती मसला भी है। कल्चरल ये है कि वो ये मजाफाती लोग जो हैं, ये शहर काबुल जो है वो हमेशा से वो एक और क्लास रही है और अभी तो ख़ास तौर पे वो डोमिनेटेड बाय नॉन पश्तूनज हैं। मुझे खुद जो मौका मिला, मुझे कारजई साहब ने एक दफ़ा काबुल में दावत दी थी कि वो वहाँ पे पश्तो चैनल या अफगानिस्तान के चैनल उस वक्त कोई नहीं था सरकारी होने के बाद, तो मुझे चंद दोस्तों को बुलाया गया था वहाँ पे कि आप हमारी मदद करें। तो मैंने उनसे कुछ कहा कि इसके लिए लवाजमात, तो उन्होंने कहा ये काबुल जो है ना ये शहर ये मैं नहीं रन करता, ये यूनुस कानूनी साहब रन करते हैं, तो मैं आपकी उनसे मुलाकात तय करवाता हूँ, उनके पास जाके उनको ये समझाएं। अब मुझे भेजा गया कि मैं यूनुस कानूनी साहब को जो कि आजकल बाय द वे वो ब्रेन्स थे नॉर्दर्न लाइन्स की और आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो एक इसलिए काबुल शहर की एक अपनी डेमोग्राफी और अपना एक एथनिक बैलेंस है जो कि बाकी अफगानिस्तान से डिफरेंट है, जहाँ पे 16 के करीब जो है कवाम पाई जाती हैं और उनको इकट्ठा रखना होता है। दूसरा एक तबकाती एक मसला भी इस तरह रहा है कि लोग समझते हैं कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जिस तरह मैंने कहा अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी ट्राइब्स की वो रही, तो जो सबसे बड़ा उनका जो ये ट्राइब है वो गलजई है। 25% जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो गलजई हैं, ये तुर्की नस्ल थे, बाद में ये पश्तून उसके अंदर सिमिलेट हो गए। और ज़्यादातर जो तारीख में 1000 साल के अंदर जो हिंदुस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को शायद तारीख पर गौर नहीं करते हैं, जो हुकूमत रही है वो इन्हीं गज़ईस की रही हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है महमूद गजनवी, गजनी इनका ख़ास सेंटर था, महमूद गजनवी, गौरीज, लोदीज़,
उसके बाद जो है क्या आपके खिलजीज, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी, ये तमाम गिलजईज वो रहे हुए हैं। तो ये और अफगान उसके अंदर ये आप ये कह लें कि ये प्लेबियंस हैं, रोमन अगर उसके अंदर आपने कहे तो वो उनकी, और ये इसकी वहाँ के इसलिए कि ये तबकाती निज़ाम भी चलता रहता है कि वो एक बिल्कुल एलीट सारा एकेडमिक हो जाता है, मगर वहाँ पे चैलेंजेस, बुनियादी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस हैं। और नई एक आप तजर्बे करने जा रहे हैं जो कि अफगानिस्तान में और बाहर की हमारी और ख़ासतौर पर वेस्ट की ये ख्वाहिशात होती हैं कि वो बड़े अपने प्रिज़म से, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के प्रिज़म से, पाकिस्तान अपने प्रिज़म से, हर मुल्क अपने प्रिज़म से देख रहे हैं, जबकि उनकी एक अपनी तारीख है, उनका एक अपना सकाफत है, और उसी का मिल जुड़ के वो कुछ ना कुछ निज़ाम बनाएंगे। तो ये मुतवक्का है, और मैं समझता हूँ ये लोग बहुत ज़्यादा इस पर घबरा रहे हैं कि ये जुलूस निकल आया, और पता नहीं इस जुलूस से वाकई ये अगर ये नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो ये बढ़ भी सकती है। मगर ये चेक भी है तालिबान के ऊपर कि जनाब अगर ये वो वाला ज़माना नहीं रहा औरतों के हकूक़ के लिए, लोगों ने इंटरनेट आ चुका हुआ है, टीवी आ चुका हुआ है, औरतों को दरमियान में 20 साल में और एक नौजवान नस्ल को जो जो आज़ादियाँ मिली हुई हैं उनसे बिल्कुल सलब नहीं की जा सकती, तो ये चेक किया जा सकता है। मगर अभी वेट एंड सी है, अभी अभी सेटल उसने सेटल नहीं किया। Subscribe now and press the bell icon.